आपका खुद का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट ऑल दो बहुत बार हो चुकी है और फिर भी जब मैं पढ़ाई करता था आई की तो सबसे पहले मेरे फिजिक्स में जीरो नंबर आए थे okay. सब्जेक्टिव पेपर में जी तो वो मेरी कॉपी क्लास में छुपा के दी गई थी तब मैंने सोचा कि यार ये सब्जेक्ट तो मैं अब बहुत अच्छा और सुंदर सब्जेक्ट है थोड़ा टफ है ऐसा बच्चों को लगता है क्योंकि उसे रिलेट करना उतना आसान नहीं होता पर एक बार अगर आपको उसका नशा लग जाए जी तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है बहुत अच्छा मतलब

तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ क्योंकि शायद ये बात मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ अपनी क्लासेज में फिजिक्स से तो फिजिक्स में बहुत टफ फॉर्मले अप्लाई करने होते हैं अभी हमने पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर हमारी एक मशीन बनाई है जो पर्सनलाइजेशन पर काम करती है इस पर भी अपन बात करेंगे शायद तो उसमें जो फॉमले लगने हैं विश्वास मानिए वो हमें खुद को ही बनाने थे वो बनाने में मुझे बहुत आसानी हुई क्योंकि अल्टीमेटली कोडिंग में लगेगा लॉजिक फिर मशीन लर्निंग लगेगी पर वो फॉर्मलेज बनाने का जो एक्मन है वो मुझे फिजिक्स देती है क्योंकि हम बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व

फिजिक्स hmm. की पढ़ाई कर रहा यस yes, बिल्कुल तो मैं दो ही तरह की पढ़ाई कर रहा हूं, करता हूँ या तो फिजिक्स या फिर मुझे लीडरशिप पे या जो भी जिस भी चीज में मुझे लग रहा है कि मेरे को और नॉलेज की आवश्यकता है डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा डेटा एनालिसिस कैसे लाएंगे इसकी हर कैसे सेट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसे होगा क्योंकि किसी भी शिक्षा को चलाने के लिए उसके चार मेजर स्तंभ है आज की तारीख में एजुकेटर्स हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया मैनेजमेंट हो, हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया ये शिक्षा के चार महत्वपूर्ण स्तंभ आप कह सकते हो आज की तारीख में तो इन सब में आपको पढ़ना पड़ेगा तो ये तो एक पढ़ाई का हिस्सा ही है और दूसरा फिजिक्स है जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं रिलेटिविटी पढ़ते हैं वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है ओके तो बच्चे को बता पाता है कि हाँ ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आज की तारीख में ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरी दुनिया में डल रही है डलती भी है उसका जो पार्ट है वो कैसे डलती है विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ अवर आता है आप फिजिक्स से जुड़े हुए ना अच्छा लगता है एप्लीकेशन यहाँ पे भी है ऑल दो समटाइम्स आई कंट्रोल माई सेल्फ कि क्योंकि आप दुनिया का सारा ज्ञान नहीं ले सकते हो तो मेरे को कभी कभी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट का पढ़ रहा हूँ या जो मेरे काम आने वाला है उसका उसका पढ़ रहा हूँ तो उसका ध्यान रखते हैं जब भी थोड़ा डिस, डिस्ट्रैक्शन तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी पढ़ाई ही है जी बट ऐसा हो सकता है कि ज्ञान कौन सा लेना है और क्या आपके काम का है इसका भी आपको ध्यान रखना आना चाहिए ओके तो आपके दो पहलू है पहला पहलू ऑन्टरप्रनोरियल है जो आपने चार स्तंभों की बात करी वो बिजनेस के लिए हाँ बिजनेस नहीं शिक्षा के लिए <laughs> ग्रोथ के लिए <laughs> ग्रोथ के लिए शिक्षा okay. को आगे बढ़ाने के आपके लिए आपके बिजनेस का कोर शिक्षा है? कोर शिक्षा विद है हम हम हम, हम बिजनेस है ही नहीं ओके okay. मतलब शिक्षाविद को या शिक्षण संस्थाओं को बिजनेस व्यापारी बोलना ही शायद पहली गलती है क्योंकि जब हम उन्हें व्यापारी बोलते हैं तो उनके मन में भी कई बार ये हम डाल देते हैं कि उनका प्राथमिक ध्येय व्यापार और बिजनेस सिर्फ मनी से रिलेट करती है शिक्षाविदों को शिक्षण संस्थाओं को ऐसे रिलेट नहीं नहीं करना चाहिए जी जब हम किसी हम क्या हम किसी डॉक्टर को व्यापारी बहुत आसानी से बोलते हैं नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है इसकी प्राथमिकता है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज अच्छे से कर सके तो शिक्षाविद को भी नहीं बोलना चाहिए ना उसे सोचना चाहिए उस प्रकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई फील की जेनजीज जो नई जनरेशन है एंड डेफिनेटली मेरी जनरेशन भी बिजनेस को बहुत सेलिब्रेट करती है कि आ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस बहुत लोगों के लिए अब एस्पिरेशनल हो चुका है हम्म हम्म हु। uh, इसलिए मतलब जॉब कह रहे हो आई कम्प्लीटली अग्री हंड्रेड परसेंट की कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं डॉक्टर टीचर्स शायद मिलिट्री बिल्कुल ये तीन प्रोफेशन थोड़े से अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ ये मैं ऐसे नहीं कर रहा पर ये भगवान का काम कर रहे हैं इस दुनिया में तो अगर इन एटलीस्ट टीचर्स और डॉक्टर्स ने अपने व्यापार स्टार्ट किए उसके पीछे कोर इंटेंशन क्या है बहुत मैटर करती है बहुत मैटर करती है और मैं नहीं कहता हूं कि आपको उस व्यापारी के गुण नहीं आने चाहिए वो आवश्यक है पर मनी मेकिंग इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे शिक्षाविद साथ में चाहिए जी जी। अच्छे मैनेजमेंट के लोग साथ में चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टेक्नोलॉजी के अच्छे लोग चाहिए क्या इनके लिए पैसा चाहिए हाँ वो आवश्यक है पर हमारी प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं है पैसा एक जरिया है शिक्षा को सुधारने का जी शिक्षा के उच्चतम स्तर तक उसको ले जाने का उसको स्केलेबल बनाने का अफोर्डेबल बनाने का साथ ही साथ क्वालिटी को भी बढ़ाते रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है तो वो वाली बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो इस हमारी फील्ड में भी हैं वो इन्वेस्टर्स के प्रभाव में आके उनकी जो कोर वैल्यूज है उससे वो थोड़ा हट जाते, हट जाते हैं जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए जी ओके आपका दूसरा पहलू <laughs> एक स्टूडेंट का पहलू है बिल्कुल तो खुद एक स्टूडेंट हो क्वांटम फिजिक्स के हाँ। अगर आपने साइंस जाना आज के जमाने में तो आपको पता चलता है कि बीस साल बाद शायद पचास साल बाद किस तरह की टेक्नोलॉजीज आएंगी बिल्कुल किस तरह की टेक्नोलॉजीज आएंगी क्या एडुकेशन में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एआई कैसे डलने वाला है मशीन लर्निंग कैसे डलेगी चैट जीपीटी कैसे काम करेगा आने वाले समय में क्योंकि एक शिक्षाविद के रूप में आप शिक्षाविद शिक्षकों का जो हमारी धारणा शायद हमारे देश में रही है अब तो खैर वो बदल गई है पर आज से बीस साल पहले हमारी धारणा ऐसी थी कि एटलस गोल्ड लाइन पर टीचर आएगा झूला लटका के और आके बच्चों को पढ़ाएगा वैसे हमें शिक्षाविदों की हमारी पहचान थी पर वो बदल गई है दूसरी बात एक शिक्षा विद के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपग्रेडेड रहे अपडेटेड रहे टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बहुत आवश्यक है, बिना उसके नहीं हो सकता है। okay. अगर हम चाहते हैं और अभी में बीस साल पहले में हम मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा समय लूंगा पर इसमें मेरा ये मानना है कि हम क्या है कि आज से अगर आप गुरुकुल परिपाटी देखोगे आज से पांच हजार वर्ष पूर्व शिक्षा तब भी थी और अच्छी थी मैं आपको बताऊं तो जब किसी भी गुरुकुल परिपाटी में बच्चे जाया करते थे तो राजाओं के बच्चे जाते थे मंत्रियों के बच्चे जाते थे जो उच्च स्तरीय लोग थे उनके बच्चे जाया करते थे तो जब वो जाते थे तो उनके गुरुजन जानते थे कि किस परिवेश से आ रहा है किस संस्कार से आ रहा है किन राजा का बच्चा है क्या इसका महत्व है और ये कैसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा जब ये राजनीति में जाएगा ये राज्य का कारभार संभालेगा उस परिवेश को जानते थे उस उस बच्चे के व्यक्तित्व को वो जानते थे उसके अनुसार उसकी वो शिक्षण करा करते थे यानी कि पर्सनलाइजेशन था कोई चौक बोर्ड सिस्टम नहीं था इसे बोलते हैं मॉनिटोरियल सिस्टम दिस इज मॉनिटोरियल सिस्टम जो पहले चला करता दिस इज पर्सनलाइज वेरी मच यानी कि गुरु खुद भी ज्ञानी था पर साथ ही साथ वो उस बच्चे को भी जानता था कि उसको क्या करना है ये जो दोनों को एक दूसरे के जानने का जो समावेश था दिस इज पर्सनलाइजेशन एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड जब हम किसी भी एक बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं पर क्योंकि समय बदला बहुत सदियां बीती तो हमें लगने लगा शिक्षा तो सबका समान अधिकार है और होना भी चाहिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है तो जब वो समान अधिकार की बात आई तो समान अधिकार में हमने सोचा शिक्षा को स्केलेबल और अफोर्डेबल बनाते हैं पर जब स्केलेबल और अफोर्डेबल बनाना है तो जो प्रणाली पहले चल रही थी कि शिक्षक सबको जाने का पॉसिबल नहीं था तो धीरे धीरे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे कि बच्चों को हम सेग्रीगेट करें जो क्लास सिस्टम हम जिसे बोलते हैं पहले सोचा कि इनको स्किल के हिसाब से अलग अलग करते हैं फिर सोचा इनको शायद किसी और परिवेश में अलग अलग ढालते हैं फिर फाइनली हमने सोचा कि यार क्यों ना इनको डेट ऑफ बर्थ के सिस्टम में डाल लेते हैं जो आज की तारीख में हमारा क्लास सिस्टम है hmm. जो क्लास सिस्टम है चॉक बोर्ड आया आपको जान के आश्चर्य होगा कि एटीन थर्टी में जब चॉक बोर्ड आया तो बहुत रेजिस्टेंस हुआ कि चॉक बोर्ड ये कौन सा सिस्टम है <laughs> आज की तारीख में हम किसी भी यूनिवर्सिटी किसी कोचिंग संस्थान किसी भी स्कूल को बिना चौक चौक बोर्ड के या डिजिटल बोर्ड आप मान लीजिए उनके बिना महसूस नहीं कर सकते पर क्यों आया होगा रेजिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि उस समय पता जैसे आज की तारीख में जब कोरोना में आया मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कोरोना में आया जब तो बहुत सारे टीचर्स का रेजिस्टेंस था डिजिटल बोर्ड पर नहीं जाएंगे ऐसे कैसे पढ़ाएंगे जिन रेजिस्टेंस दिखाया वो पीछे रह गए आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा वो इसलिए जरूरी था क्योंकि स्केलेबल अफोर्डेबल था जैसे कि आपने बोला नई जनरेशन ने कि कैसे रेजिस्टेंस आ सकता है बट जब पहली बार गुरुकुल परिपाटी से हम शिफ्ट हुए तो गुरुओं के लिए मानना कि मैं ऐसे फ्रंट होके सिर्फ चार बच्चों को पढ़ाता हूँ इसकी बजाय मैं पचास बच्चों को लिख के पढ़ाऊंगा यह मानना बहुत मुश्किल था मैं आपको एग्जाम्पल रिसेंट बताता हूँ बीस साल पच्चीस साल पहले हमारी कोचिंग संस्थान को इतनी वैल्यू थी नहीं ना इट इज इट इज इट इज अय प्रोडक्ट ऑफ स्कूल एडुकेशन राइट आज हमें सम्मान मिलने लगा है तो शिक्षक कैसे पढ़ाता बुड्डो पे पढ़ाता था और बोर्ड पे लिखता था और बोलता था जो नोट्स मैंने दे दिए उसे ही मान लो समय बदला हम सब लोग लिफ्ट हुए हम सब लोगों ने प्रिंटेड नोट्स देना चालू करे उस समय कुछ टीचर बदले कुछ नहीं बदले जो नहीं बदले वो पीछे रह गए ये वैसी ही बात है कि पहले टेलीफोन था फिर मोबाइल आया मोबाइल आया तो उसने हमारी कन्वीनियंस बढ़ाई कन्वीनियंस बढ़ाई तो हमें उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में इतने सारे नई बैंकिंग सिस्टम में जब बड़े बड़े बैंक को एक्वायर करा गया तो वो उनके एम्प्लॉयज पीछे रह गए जिन्होंने उस नए सिस्टम को अडॉप्ट नहीं नहीं किया जी तो जब हम इस सिस्टम में आए शिक्षा में इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉडल इंस्ट्रक्शनल मॉडल में हम आ गए तो इसमें स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तो हम ले आए और रह गया।, गया पीछे तो मैं ये कहता हूं कि रियलिटी में अगर आप चाहते हो कि शिक्षा को कैसे देखा जाए तो पर्सनलाइजेशन भी आवश्यक है और वो स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी भी आवश्यक है क्योंकि शिक्षा तो समान अधिकार है शिक्षा को देखने का नजरिया ऐसा ही होना चाहिए हमारा मुझे लगता है ये पर्सनलाइजेशन आ सकता है टेक्नोलॉजी से लगता है नहीं आई एम हंड्रेड टेन परसेंट श्योर की यहां से आ सकता है जैसे आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सही समावेश है मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर मैनेजमेंट का और प्रॉपर डॉक्टर्स का ऐसे ही तब वो पर्सनलाइजेशन ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में भी पर्सनलाइजेशन होता है बिल्कुल होता है सबको अगर चार लोगों को सेम फीवर है तो ऐसे थोड़ी होता है कि डॉक्टर बोले जिनको फीवर है बैठ जाइए अच्छा फीवर है दवाई लिख देते हैं नहीं पॉसिबल है सबका स्पेशलाइज टेस्ट होता है ऐसे किसी सबके बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं सेम समस्या है पर उनका समाधान अलग अलग होना चाहिए तो जो एक अच्छा एजुकेटर उसके पास रिपोर्ट जानी चाहिए कि कि ये ये इसके डेटा साइंस ने बताया कि ये गलती करता है इसकी ये स्किल्स वीक हैं ये एक्यूरेसी में वीक है ये वर्ड पर मिनट कम है इसकी कैलकुलेशन वीक है ये इस तरीके के सब टॉपिक को गलत करता है जब उन चीजों को एनालाइज करके एक अच्छा एजुकेटर एक अनुभवी शिक्षाविद उसको देखेगा जो वास्तविकता में उसके जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो उसको सही सलाह देगा ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए हैसिटी ऑन द रेबिलिटी शो